हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शनैलीज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बरसात का मौसम और चाय पकौड़े, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यूनिक होता है। जी हाँ, सही पकौड़े। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पकौड़े की रेसिपी, वो भी मिक्स दाल पकौड़े की रेसिपी, जो कि घर पे अवेलेबल कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही इजीली झटपट बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर एक नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दाल पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है दाल। तीन टाइप का दाल ले लिया है मैंने, मूंग दाल, मसूर दाल और चना दाल। दाल मैंने 3-4 घंटा भिगो के रखा है और उसके बाद अच्छे से धो के सर्व कर दिया है। यहाँ पे लिया है मैंने चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हींग। जो लगेगा इन्ग्रीडियंट्स मैं बनाते जाऊँगी और आप लोगों को बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग जार। अभी ये दाल पेस्ट कर लेना है, महीन पेस्ट नहीं करना है, इसे दरदरा पेस्ट करना है। दाल के साथ साथ मैं इसमें ये हरी मिर्च, अदरक, लहसुन ऐड कर दूंगी और एक साथ पेस्ट कर लूंगी। दाल को रात भर भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात भर भिगोने से क्या हो जाएगा, ये दाल पकौड़ा कोफ्ता टाइप का हो जाएगा, दाल पकौड़ा क्रिस्पी नहीं बनेगा। दाल पेस्ट करते टाइम मैंने यह इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पे मेरा दाल पेस्ट हो गया है। तो अभी मैं एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और ये जो दाल है, दाल का पेस्ट है, मैं ये निकाल के बाउल में ले रही हूँ। अभी दाल के पेस्ट के साथ ऐड कर दूंगी मैं साबुत जीरा, हींग, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ हरा धनिया और ऐड कर देंगे नमक, हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे मेरा दाल मिक्स करना हो गया है। तो अभी चलते हैं फ्राई करने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक भरी तले का पैन और इसमें ऐड कर दिया हूँ मैं ढेर सारा रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इसे डीप फ्राई करना है। तो तेल गरम हो गया है और गरम तेल से मैं थोड़ा सा निकल के ये दाल के पेस्ट में मैं ऐड कर दिया हूँ और अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। तो ये ज़रूर कीजिएगा, इससे पकौड़ा और भी क्रिस्पी बनता है। तो मिक्स करना हो गया है तो अभी फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और फ्लेम को मीडियम करके अभी पकौड़ा इसे गरम तेल में मैंने छोड़ रही हूँ। तेल गरम करके मीडियम करके ही फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये पकौड़ा बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से अच्छे से नहीं पकेगा। और पकौड़ा तेल में छोड़ने के साथ साथ ही इसे हिलाइएगा मत। थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट के बाद इसे धीरे धीरे हिलाना स्टार्ट कीजिएगा कोई भी नोकीले चीज़ों से, जैसे कि चम्मच के हैंडल से आप लोग धीरे धीरे इसे फ्लिप करके सारे फ्राई कर लेना है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करना है। मेरी रेसिपी को लेके कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आंसर दे दूंगी। और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पकौड़ा गोल्डन ब्राउन करके अच्छे से फ्राई हो गया है। तो मैं इसे एक पेपर नैपकिन के ऊपर
निकल के रख रही हूँ। ऐसे ही सारे पकौड़े मैं फ्राई कर लूँगी। जो फ्रेंड मेरे साथ बहुत दिनों से हो, उन फ्रेंड्स को ढेर सारा थैंक यू। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ देते रहिए। देखिए यहाँ पे बाकी के भी जो पकोड़े हैं वो भी फ्राई हो गया है। तो चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है और ये पकोड़े मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है ये पकोड़ा। मैंने टमाटो सॉस के साथ इसे सर्व किया है। आप लोग कोई भी सॉस ले सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। मेरे घर में तो सब बहुत ही पसंद करते हैं ये पकोड़ा। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ चाट मसाला और काला नमक। साथ में मैं ले रही हूँ हरी मिर्च। ये हरी मिर्च आप लोग फ्राई करके भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ले लिया हो गर्मा गर्म चाय। तो देरी किस बात की, झटपट बना लीजिए दाल पकौड़ा और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए क्रिस्पी दाल पकौड़ा चाय के साथ। मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए।